तो ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर इसराइल की अटैक प्लानिंग के बारे में सीक्रेट जानकारी लीक होने की सनसनीखेज खबर सामने आने के बाद से अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि इस दस्तावेज में यह बताया गया है कि अगर ईरान पर इसराइल अटैक करता है तो वो किन हथियारों का इसके लिए इस्तेमाल करेगा। आप भी जानिए इसे। मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है, लेबनान से लेकर गाजा तक इजराइल एक्शन में है, और अबारी प्रॉक्सी मिलिशिया गुटों के सबसे बड़े आका ईरान की है। ईरान तबाही के मुहाने पर क्यों है? अमेरिका से लीक हुए यही वो दो खुफिया दस्तावेज हैं जो इसकी गवाही दे रहे हैं। ईरान पर कब और कैसे हमला होगा, दरअसल इस बात का खुलासा अब हो चुका है, क्योंकि अमेरिका से लीक हुए इस दस्तावेज में इसराइल के खतरनाक प्लान की एक एक डिटेल है। दस्तावेजों में बकायदा इसराइल पर 1 अक्टूबर के हमले का जवाब कब दिया जाएगा वो भी बताया गया है। इन दस्तावेजों से तेहरान को दहलाने की कितनी बड़ी प्लानिंग की गई इसका पता चलता है। इस खुफिया दस्तावेज के मुताबिक इजरायली सेना ने 3 अलग अलग दिन को ईरान को दहलाने का प्लान बनाया है। इसके लिए बकायदा 8 अक्टूबर को हेटजेरिम्बा एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती की गई, गोल्डन होराइजन और रॉक्स मिसाइलों की यहां तैनाती की गई। इसके बाद 15 अक्टूबर को हमले से पहले इजरायली एयरफोर्स ने लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया। 16 अक्टूबर को रवा डेविड और रामून एयरबेस पर मिसाइलों की तैनाती की गई। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को रेडी मोड में रखा गया। इतना ही नहीं, इस खुफिया दस्तावेज में दावा किया गया है कि 8 से 16 अक्टूबर इसराइल की तीनों सेनाओं ने हमले की फाइनल ड्रिल भी की थी। इसराइल ने 15-16 अक्टूबर को दूसरा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। इजरायली एयरफोर्स ने एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ALBM तैनात किए थे। सैटेलाइट इमेज के विश्लेषण से पता चला है कि इजरायल ने 16 गोल्डन होराइजन ALBMS और F-15 जंगी लड़ाकू विमानों को रेडी मोड में रखा है। पर हमले की प्लानिंग कितनी फुल प्रूफ थी ये इसी बात से पता चलता है कि इजरायल ने 15 अक्टूबर को AWACS विमानों और लड़ाकू जेट विमानों के साथ ड्रिल की थी। हवाई हमलों के अलावा जमीनी हमले की भी तैयारी की गई। एयर रिफ्यूलिंग, एरियल सपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ KC-707 टैंकर्स गल्फ स्ट्रीम विमान ऑपरेशन के लिए तैयार रखे गए। साथ ही ईरानी प्रॉक्सी के पलटवार से बचाने के लिए स्पेशल फोर्स को भी अलर्ट मोड पर तैयार रखा गया था। एक बड़ी एयर स्ट्राइक के माध्यम से ईरान के तमाम शहरों को, तमाम इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने का प्लान था। साथ ही साथ बैकअप के रूप में कुछ मिसाइल मूवमेंट भी इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, और अगर मिसाइल मूवमेंट था तो सीधी सी बात है वो बैकअप के लिए थी, यानी कि अगर ईरान पलटवार करता है तो फिर मिसाइल हमला एयर स्ट्राइक के बाद किया जाएगा, या फिर अपनी एयर स्ट्राइक को और सफल बनाने के लिए एक कवर फायर के रूप में मिसाइलों को तैनात किया गया था। ईरान को सबक सिखाने के लिए इसराइल पूरी तरह तैयार है। खुफिया दस्तावेज में जिन बातों का जिक्र है उससे तेहरान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान पर हमले के लिए इसराइल ने अपने एयरबेस पर हथियारों का जखीरा जुटा लिया है। इस दस्तावेज के मुताबिक रमा डेविड एयरबेस पर इसराइल ने एयर टू सरफेस मिसाइलों की तैनाती कर रखी थी। यहाँ एयरक्राफ्ट बंकर बस्टर एयर टू सरफेस मिसाइल से लैस किए जा चुके हैं, जबकि रामून एयरबेस पर 16 अक्टूबर को म्यूनिशन कार्ट मिसाइल से लैस पहुंचाए गए थे। 15-16 अक्टूबर को इस बेस पर खुफिया ड्रोन ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था। इसराइल ने लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों को भी तैनात कर लिया है। इसके साथ ही प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन की भी तैनाती की गई है। अब इन एयरक्राफ्ट के साथ एयर टू सरफेस मिसाइल्स, तमाम लेजर गाइडेड वेपन्स और तमाम तरह के म्यूनिशंस लगा करके इसको और ज्यादा घातक बनाया जा रहा है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। साथ ही साथ इन एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए और किसी भी तरह के रिटेलिएशन को रोकने के लिए एक मिसाइलों का जखीरा भी इसराइल ने तैयार कर रखा है, जो कि जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल में लाया जाएगा।
खुफिया दस्तावेज बताते हैं कि तेहरान पर जवाबी कार्रवाई के लिए इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर लिया है। इसके अलावा ग्राउंड फोर्स, नेवी फोर्स अभी अलर्ट मोड पर है। इजराइल ने अपने एयरबेस से कई खुफिया ड्रोन ऑपरेशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर अपनी बारूदी मंशा को साफ कर दिया है। ईरान अगर प्रॉक्सी मिलिशिया गुटों को यूं ही इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गाजा की जंग की आग में तेहरान भी झुलस जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।